रोहिंग्याई बच्चे का सबसे बड़ा खुलासा। किसने कहा कि सरकार वाले भगा रहे हैं उसे? सरकार नहीं, ज़कात वाले। विधायक अमानतुल्ला खान ने बांटे 10,000 रुपए। पुलिस को भी धमकी दे के गया था, पुलिस को थप्पड़ भी मारा है। रोहिंग्याई बच्चे ने कहा, मेरे पापा वो गोली मार के मर गया। बड़े होकर लूंगा अब्बू की मौत का बदला। बड़े होकर क्या करोगे? बड़े होकर क्या करना चाहते? बदला लूंगा। किससे बदला लो? जो मेरे पापा को मारा है। ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ा एक्सपोज सिर्फ आवाज पर। तो जिस जगह को लेकर इतनी हलचल है, जिस जगह को लेकर देश भर में इतनी बातें हो रही, वो जगह आखिर इतनी शांत क्यों है? क्यों इस जगह पर आज सिर्फ और सिर्फ यह जली लकड़ियां, यह जले घर के सामान और अब जली गृहस्थी यहां पर दिखती है? नमस्कार, मैं काविंद्र चौहान हूं और ये स्पेशल प्रोग्राम है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का, जिसका नाम आवाज़ है। आज हम लोग आए हुए हैं, कालिंदी कुंड से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली में लगता है। यहाँ पर 2018 में रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से आए थे, कुछ बांग्लादेश के थ्रू आए तो कुछ डायरेक्ट बर्मा से आए थे, जो दिल्ली में भी रहने लगे थे, तो ऐसे में ज़कात फाउंडेशन जो है, ज़कात फाउंडेशन ने उनको यहाँ पर जगह दी थी। ज़कात फाउंडेशन ने जब उनको जगह दी तो वो यहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर रहने के बाद आपको बता दें 2018 में ये जगह दी गई थी इनको, लेकिन अभी 6 दिन पहले यहाँ पर अचानक से ये लोग जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर आग लग जाती है, और आग लग जाने के बाद फिर शुरू होती है राजनीति। क्योंकि जब यहाँ आग लग जाती है, ज़कात फाउंडेशन की जगह थी, इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों को पीछे बसाया जाता है। ये पीछे मैं दिखा दूँ आपको, जहाँ पर आपको अभी टेंट दिख रहे होंगे वहाँ पीछे बसाया जाता है, जो जगह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। अब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंडर में वो जगह आती है, लेकिन ये जो इलाका है ये दिल्ली का है। तो ऐसे में दो जगह के प्रशासन जो थे वो आपस में ही उलझने लगे। तो अब जब बात आगे बढ़ी तो दिल्ली के ओखला से विधायक हैं अमानतुल्ला खान, वो यहाँ आते हैं, और साथ ही साथ यूपी के सिंचाई विभाग के जो लोग यहाँ आए थे इनको खाली करवाने अपनी ज़मीन से, उनको यहाँ से भागना पड़ता है जब विधायक अमानतुल्ला खान यहाँ आते हैं। क्या राजनीति है, क्या मतलब है, क्या मायने हैं? और यहाँ पर जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इससे खतरा है, तो आगे की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कुछ है, उस पर हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कब आए थे और आगे का क्या है। क्योंकि देश में वो कानून भी अब लागू हो चुका है और कभी भी इसको लेकर आगे चर्चा भी हो सकती है कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं, जो लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, उनको शायद वापस जाना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं तब तक। तो ये वो जगह है, पीछे जो जगह थी वहाँ पर आग लग गई थी, इसके बाद ये वो जगह है जहाँ पर अब आग लगने के बाद इन लोगों ने एक अस्थायी ठिकाना लिया है। आपको दिखा दूँ, वो सामने बोर्ड दिख रहा होगा आपको ऊपर, ये जो बोर्ड है ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो जगह थी जहाँ पर आग लग गई है ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ही जगह थी। लेकिन अब जहाँ पर इन लोगों को अस्थायी रूप से रोका गया है, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंडर में जगह आती है। तो अब क्या हुआ है मसला, कि जब ज़कात फाउंडेशन के अंडर में जगह थी, जब लोग रह रहे थे तो परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उनको जगह दे रखी थी। आरोप लगातार लगते रहते थे कि क्यों जगह दे रखी है, क्यों ठिकाना दे रखा है। खैर, जब से कानून लागू हुआ है सीए का, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको अस्थायी रूप से यहाँ पर रखा गया है। पुलिस का पहरा बताता है कि मामला कितना संगीन है। जितने रोहिंग्याई मुसलमान यहाँ पर नहीं हैं, उससे ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर नजर आते हैं। ये पूरा दिन यहीं रहते हैं, रात में भी ड्यूटियाँ बदल जाती हैं। लेकिन रोहिंग्याई मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से जो नज़र है प्रशासन की, वो नहीं बदलती। दो जगहों के प्रशासन जब आमने सामने लड़ते हैं तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। यहाँ पर मौजूद हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग इसमें नाकामयाब रहे। यहाँ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। हमें बताया गया कि इन सब का एक लीडर है जिसका नाम सलीम है। किसका? और जो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत है, समझ रहे हैं आप,
यहाँ पर अधिकृत व्यक्ति है जो बात करता है। लेकिन सलीम से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो हमारे कैमरों को देखते ही सलीम ने भी किनारा कर लिया। कितने आग कितने बजे लग गई थी यहाँ पर? तुम्हारे सामने लगी थी? हाँ। 12 बजे तक, 6 दिन हो गए। उसके बाद फिर यहाँ लाया गया? हाँ। कितने कितने साल पहले यहाँ आए थे? कितने साल पहले? 9 साल नहीं, 8 साल पहले आए थे। 8 साल पहले आए थे, उससे पहले याद है कहाँ थे? एक साल का था। एक साल के थे, किधर से आए थे? नाम क्या बेटा तुम्हारा, नाम क्या है? तामीम। तामीम, तो तामीम बेटा ये बताओ कि वहाँ से यहाँ आए, ठीक है, परेशानी होती रहती है क्या इधर से उधर उधर से? हैं अब्बा क्या कहते हैं, कब तक यहाँ रहेंगे? जब यहाँ से भगा देंगे तब चले जाएंगे। क्या लगता है कौन भगा देगा? जिसका जगह है वो। यहाँ पर ना आगने चलने से पहले ना कुछ आदमी आए थे सरकार के, धमके वमके दे रहे थे, तुम यहाँ से उठ जाओ। 8 बजे आया था वो शाम को। मेरे पापा से, मेरे पापा यहाँ लीडर, मेरे पापा यहाँ के लीडर है ना, मेरे पापा को धमकी दे रहे थे। पापा ने बोला यहाँ से चले जाओ, चले गए वो, तो उनने आग लगाया बोल रहे सब। तेरा पापा लीडर है यहाँ के? क्या नाम है? सलीम, सलीमुल्लाह। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से तुम्हें क्या लगता है बेटा कि कौन भगा कौन रहा है? सरकार वाले भगा रहे हैं? हाँ? तुम्हें किसने कहा कि सरकार वाले भगा रहे हैं यहाँ से? सरकार नहीं, जकात वाले। जकात वाले भगा रहे हैं? जकात का है वो आगे, यहाँ पे आगे हम यहाँ पे रहते थे, वो यहाँ पे आग जला दी थी। आगे हम पहले हम यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे भी आग जल गया था और हम वहाँ पे गया। और लगता बेटा कौन भगा कौन रहा है आप लोगों को यहाँ? हाँ, सरकार होगा ये, जिसका सरकार यूपी वाले है। क्या कह रहा था? कितने रुपए देके गए? 10,000 सबके घर पे। और राशन भी दिए, राशन भी दिया, 10,000 रुपए दिए। और क्या बोला, कहीं नहीं जाने देंगे? कहीं नहीं जाने देंगे, यहाँ पर मरेगा ऐसे बोला था। पुलिस को भी धमकी दे के गया था, पुलिस को थप्पड़ भी मारा है बीच में। बोलो आग, अबे आग जल रही है, ऐसे मैंने चिल्लाया सब उठ गया। चिल्ला किसने लगाई होगी पता नहीं, हम पे पता नहीं कौन ने करा, किसने करा वो हम एक बार अपने देखा। पर हम सो के मैं मुद ने गया, एक घर खाली था, काले होने के बाद वो घर खाली था, वो सब लोग जो एक किसके जगह उसको। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी, नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन खान, मैं 10 साल हूँ। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, भारत के हो, कहाँ के हो? बर्मा की। तुम बर्मा के हो? तो भारत में क्या लगता है कब तक रहोगे? 12 मत लेंगे हम लोग। भारत में रहना चाहते हो कि बर्मा वापस जाना चाहते हो? बर्मा नहीं, यहाँ पे रहेंगे। बर्मा तो अभी तो लड़ाई हो रहा है सरकार, तो कौन कौन लड़ाई कर रहा है वहाँ पर पता नहीं। और होगा पर वहाँ का पुलिस जो बर्मा वालों को उसको जो अभी तक मेरे पापा वहाँ, मेरे पापा को हम यहाँ पर आड़ते इंडिया में, मेरे पापा को गोली मार के मर गया। पापा को गोली मार दी, मर गए? हाँ, उसके बाद पता नहीं मैं छोटा था। बड़े होकर बदला लेने की जैसी भावना आती है मन में? आता हूँ मैं, अल्लाह से तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला होगा था पूरा दुनिया में औकात। जो यहाँ पर आया था, ये मेरा घर था, ये मेरा किताब था, ये सब किताब था मेरी। क्या लगता है बड़े होके क्या करोगे, बड़े होके क्या करना चाहते? कुछ बनूंगा, कुछ मतलब के बदला लूंगा। बदला लेना चाहते हो बड़े होके? किससे बदला लोगे? जिससे भी हो, जो मेरे पापा को मारा है उससे बदला लोगे? मतलब और कुछ नहीं लगता कि डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ? इंजीनियर बनूँ, सब बनूंगा, एक छोटा होके मेरा सपना यही है। तो 6 दिन लगी आग के बाद जिस तरीके से देश में एक बार फिर ये रोहिंग्या जो हैं वो चर्चा में हैं, ऐसे में जब आग लगी तो आग के बाद ये जो ज़मीन थी इसके पीछे इनको ठहराया गया। और इस पर हम लोगों ने इनसे बात करने की तमाम कोशिशें की, हमको बताया गया कि यहाँ पर जो इनका केयरटेकर है, जो लीड करता है पूरे कुनबे को, उसका नाम सलीम है। हमने बहुत कोशिशें की सलीम से बात करने की, हालांकि सलीम ने तो बात नहीं की, लेकिन जो कुछ बच्चों ने बताया, और बच्चों का कहा जाता है कि वो सच बताते हैं, तो ऐसे में बच्चों से जो कुछ जानने को और हमें सुनने को मिला वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि ये छोटे छोटे बच्चे और मासूम बच्चे, लेकिन इनके मन में क्या कुछ है वो दिल को पीड़ा देता है, दिल में दुख देता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नेताओं की हरकतों को देखिए,
जहां पर एक तरफ देश में कानून लाया जा रहा है और सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि रोहिंग्या से खतरा हो सकता है देश में, और तमाम बड़े लोगों ने भी, बुद्धिजीवियों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है, कहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमने यहाँ पर देखा, और इसके बीच जब पता लगता है कि इसी देश का एक विधायक यहाँ पर आकर रुपए बांटता है और कहता है, इनके मन में एक चीज़ों को भरता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश में सुरक्षा से बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो यहाँ पर वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति करना यहाँ पर देश सुरक्षा से बड़ा मुद्दा है और यही चीज़ खतरा पैदा करती है। ऐसे ही तमाम कहानियाँ हम आप तक लेकर आते रहेंगे। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ अंधेरा है, जहाँ उजाले की ज़रूरत है, वहाँ पर आवाज़ की टीम हमेशा एक समा जलाने का काम करती रहेगी। धन्यवाद।